है जो 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 कैटालिटिक प्रोसेस है जो कि होमोजीनियस कैटालिस्ट एक्टिवेट करते हैं वो है, ये भी बहुत कठिन नहीं है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब स्मॉल मॉलिक्यूल हम किन की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा सीओ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीओ टू की, हम बात कर रहे हैं H2O की, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इनका एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, क्या मैंने आपसे कहा क्या सीओ बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्या सीओ टू में सीओ बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्या H2O में H और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत मजबूत बॉन्ड होते हैं, इनको कैसे तोड़े, इनको एक्टिवेट कैसे करें? इनको एक्टिवेट करने के जो जो मेथड है वो है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू, यानी मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू इनको एक्टिवेट किया जा सकता है और ब्रेक किया जा सकता है और दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे हम अभी यहां पर दिखा रहे हैं एक रिएक्शन वाटर गैस शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, CO एंड CO2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं हम थ्रू वाटर गैस शिफ्ट। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, ये देखिए रिएक्शन है H2O plus CO is equal to H2 plus CO2। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो CO है, इस CO में आप देख रहे हैं कि बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बन गया है CO। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे और यहां पर देखेंगे कि OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है और H2 में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो आप देखेंगे CO2 टूटा है और ये CO2 टूटने के बाद CO बन गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम CO2 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और CO को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, H2O को भी एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू वाटर गैस शिफ्ट। मतलब ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक किया जा सकता है और ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि CO एंड H2 को बैलेंस करने का काम करती है, जिसको हम सिंथेटिक गैस कहते हैं। तो ये वाटर गैस शिफ्ट है। ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट जो सिंथेटिक गैस है CO प्लस H2, जिसे वाटर गैस भी कहते हैं, इसके रेशियो को बनाए रखता है। ठीक है, और इसको चेंज किया जा सकता है इस रिएक्शन के थ्रू, और वाटर गैस शिफ्ट के थ्रू दौरान जो है वो CO और CO2 का एक्टिवेशन होता है। H2 का भी आपको दिख रहा है कई बार, उसका भी एक्टिवेशन यहां पर हो रहा है। यहां पर जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो हेट्रोजीनियस भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे Fe3O4 CuZNO, और होमोजीनियस कैटालिस्ट भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे Fe CO5 है या प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है ये यूज किए जा सकते हैं। तो हम जो बात करेंगे होमोजीनियस कैटालिस्ट की बात करेंगे कि होमोजीनियस कैटालिस्ट कैसे वॉटर गैस शिफ्ट के थ्रू इस CO एंड CO2 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ये दिस वन, ये क्या है Fe CO5, ये क्या है Fe CO5, जो एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन करने वाला है, ये Fe CO5 है। Fe CO5 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अब यहां पर क्या होगा, हमें बेस का यूज करना होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये जो Fe CO5 है इट कन्वर्ट्स इनटू मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, CO के साथ ये HBOH भी जुड़ गया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसके बाद इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव होगा, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और उसके बाद ये जो प्रोटॉन है ये इस आयरन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये स्पीसीज मिल जाएगी जो कि एनायनिक हाइड्राइड होगी। एनायनिक हाइड्राइड मिला, और ये एनायनिक हाइड्राइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद इसमें से OH- रिमूव होगा जो कि बेस था, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और यहां पर एक H और जुड़ जाएगा, ये H2 हो जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें से फिर ये H2 रिमूव होगी और ये एक CO इसमें जुड़ेगी और ये अगेन Fe CO5 बन जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे, देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो Fe CO5 है, ये Fe CO5 से जो हमें स्पीसीज मिली, ये मिली स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज से हमें क्या मिली, इस स्पीसीज ने क्या किया, इस H2O को एक्टिवेट किया। देखिए इस स्पीसीज ने इस H2O को एक्टिवेट किया और जो OH बॉन्ड था उसे तोड़ा और इसका जो H था वो यहां जुड़ गया। तो सबसे पहले इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, देखिए H2O को एक्टिवेट किया। H2O को एक्टिवेट करने के बाद इसने CO को एक्टिवेट किया, ये जो मॉलिक्यूल था इसने CO के साथ रिएक्शन की और इस CO के साथ रिएक्शन करने के बाद ये H2O निकल गया और यहां CO जुड़ गया। तो आप देखेंगे यहां पर जो यूज हुए हैं, देखिए H2O एंड CO, तो हमने कहा था H2O प्लस CO, ओके, और क्या बना था CO2 प्लस
एच टू, ठीक है, तो क्या बना सीओ टू प्लस एच टू। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम रिएक्शन देखें तो ये जो FeCO5 है इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है जिससे कि CO विल कन्वर्ट इनटू CO2। तो दिस इज द कैटालिटिक साइकिल जिसको हम वाटर गैस शिफ्ट भी कहते हैं। ओके, तो इससे CO एंड CO2 एक्टिवेट होते हैं। एक ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स भी है, ये भी एक तरीके का आपने देखा होमोजीनियस कैटालिस्ट था जो कि एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन ये जो एक्टिवेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ बेस होता है, बेस की एब्सेंस में एक्टिवेशन होता है, बेस की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट H2 एंड CO2 ऐड हो गए, डायरेक्ट H2 एंड CO ऐड हुए और ये एक लिगेंड निकल गया L, और यहाँ पर ये स्पीसीज बनी और ये स्पीसीज फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें से CO2 निकलेगा और CO2 निकलने के बाद ये जो स्पीसीज होगी वो L2 H2 P2 और फिर निकल जाएगा H2 और L ऐड हो जाएगा और ये फिर से हमें कैटालिस्ट मिल जाएगा। तो अगेन आपने देखा कि जो यूज होने वाले जो सब्सटेंसेस थे वो H2O एंड CO था और जो निकलने वाले थे वो CO एंड H2 था। तो H2O + CO = CO2 एंड H2। तो ये जो प्रोसेस है यहां पर प्लेटिनम कैटालाइज जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन आप देखें उसके लिए बेस की जरूरत नहीं होती है, बिना बेस के ये रिएक्शन होती है, जबकि FeCO5 के केस में OH की जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस हैं जिसमें FeCO5 या फिर PtL3 ये जो दो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक्टिवेट करते हैं इस CO एंड CO2 के एक्टिवेशन को, उसको तोड़ने को वो एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, दूसरी जो एक रिएक्शन है रेपे रिएक्शन है, रेपे रिएक्शन क्या करती है, रेपे रिएक्शन में जो है वो ये CO को एक्टिवेट करता है, CO को एक्टिवेट कर रहा है और H2O को एक्टिवेट कर रहा है। अगेन यहां पर जो जो कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है FeCO5 है, होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है और यहां पर H2CO जनरेट होते हैं, H2CO जनरेट होते हैं वाटर गैस शिफ्ट से, उनको हम यूज करेंगे। जो H2 एंड CO जनरेट होंगे, H2 एंड CO जो जनरेट होंगे अगर हमें यूज करना है तो हम उनको यूज करेंगे इस रिएक्शन में। एक तरीके की हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन है एल्कीन्स की जिससे कि हम एल्डिहाइड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCO5, उसके बाद हाइड्रोजिनेशन होता है और लीनियर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगेन जो रैपिड सिंथेसिस है ये एग्जाम्पल तो है हाइड्रोफॉर्मिलेशन का ही एग्जाम्पल है, और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिवेशन होगा थ्रू FeCO5। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि ओलिफिन CO plus H2O in presence of FeCO5 and KOH, base की जरूरत है FeCO5 के साथ, तो ये alcohol में convert कर देगा और carbon dioxide में। तो आप देख रहे हैं कि CO and CO2 का activation है इसमें, इस reaction में। ठीक है, तो अब आप देखिए होता क्या है इस reaction में, ये जो reaction है इतनी reaction, ये तो है water gas shift। देखिए FeCO5 था, FeCO5 OH की प्रेजेंस में मेटाकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, मेटाकार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकला, हाइड्राइड बन गया, ये हाइड्राइड H2O के को एक्टिवेट करता है और ये स्पीसीज बनाता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो FeCO5 फिर से बन जाएगा। तो यहां से ये जो स्पीसीज है ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है इसको रेपिस रिएक्शन में यूज करते हैं, इस स्पीसीज ये सब मिलाएंगे और साथ में ओलिफिन मिलाएंगे, तो ये क्या करेगी, ये स्पीसीज ओलिफिन को अपने में कोऑर्डिनेट करेगी। ये देखिए ओलिफिन को कोऑर्डिनेट किया है, ओलिफिन को कोऑर्डिनेट करने के बाद ये यहां पर क्या होगा, आप देखेंगे कि ओलिफिन को कोऑर्डिनेट करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन माइग्रेट करेगी बीटा पोजीशन पर और ये यहां से जुड़ जाएगा, तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन है। ठीक है, और इस बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये दोनों मिलके अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन शो करेंगे, सॉरी ये दोनों नहीं, एक CO अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन, ये यहाँ ये माइग्रेट करेगा, आपको पता है कि ये माइग्रेट करेगा, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद CO ये स्पीसीज बनेगी और उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये प्रोडक्ट जो है यहां पर CO और H2 भी यूज होंगे और CO H2 यूज होंगे तो वापस ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
देखिए, आपने देखा कि ये जो जो वाटर गैस शिफ्ट थी, वाटर गैस शिफ्ट से जो ये बीच में जो एक रिएक्टेंट बना था, ये रिएक्टेंट ऑलिफिन से रिएक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करने के बाद बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन, और जब अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा उस समय सीओ टू और एच टू ओ का भी इसमें एडिशन करेंगे। सीओ टू एच टू कहां से लाए हम, ये सीए टू जो यहाँ से प्रेजेंट हो रहा था तो यहाँ से बन रहा था, और जो एच टू यहाँ से बन रहा था यही सीओ टू और एच टू ओ हम यहाँ लाए, हमने कहा था यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। ये सीओ टू एच टू इसकी प्रेजेंस में तो क्या हुआ, एक यहाँ पर सीओ और जुड़ जाएगा और एच टू और जुड़ जाएगा, तो हमें ये फिर से मिल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल गया रिडक्टिव एलिमिनेशन से, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कीटोन बन गया या एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड बन गया है, कीटोन तो नहीं बना एल्डिहाइड बना है, तो एक ओलिफिन से एक एल्डिहाइड बना है। ये एक 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 एग्जांपल है हाइड्रोफॉर्मिलेशन का, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहां पर हुआ क्या है, हुआ क्या है कि यहां पर जो आपने देखा कि जो यहां पर कैसे एक्टिवेशन हुआ है, जो देखिए जो ग्रुप था ना, ये जोड़ा हमने, और यहां से जो सीओ ग्रुप था, सीओ ग्रुप का एक्टिवेशन हुआ है, ठीक है, सीओ ग्रुप का एक्टिवेशन हुआ है, और सीओ ग्रुप एक्टिवेट होकर ये जो है ये एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेशन इसमें हम कहेंगे कि इसमें दो रिएक्शन हमने जोड़ी है, रेपे रिएक्शन और साथ में वाटर गैस शिफ्ट, और यहां पर जो जो एक्टिवेशन हुआ है वो किसका हुआ है, सीओ का, कार्बोनिल का एक्टिवेशन हुआ है, जो ऐसे आपको नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में सीओ टू यहाँ पर बनेगी, और सीओ टू जो बनेगी वो सीओ टू जब बनेगी यहाँ पर तो वो सीओ टू जो है वो इस रिएक्शन में बन रही है। अगर आप देखेंगे ये देखिए सीओ टू, यानी सीओ का एक्टिवेशन करके क्या बना रहे हैं, सीओ टू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में इसके आगे भी रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन तक है, इसके आगे जब रिएक्शन करेंगे, इसके आगे जब रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में सीओ टू गैस बनेगी। तो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर केवल रेपी रिएक्शन दिखाई है, रेपी रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा, इस एल्डिहाइड का फर्दर जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये जो अल्कोहल होगा ये अल्कोहल बनने के दौरान सीओ टू भी बनेगी। तो इसलिए जो है ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वहां पर सीओ से सीओ टू बन रही है एक्चुअल में, तो ये एक्टिवेशन है सीओ का। थर्ड जो रिएक्शन है वो है मोनसेंटो एसिटिक एसिडिक प्रोसेस। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहां पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में एल्कोहल और कार्बोनिल से, मतलब सीओ का एक्टिवेशन है, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक सीओ का एक्टिवेशन है, जहां पर ये सीओ बॉन्ड क्लीव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो कैटालिस्ट एक्ट करता है वो रोडियम का कैटालिस्ट है। किस तरीके से ये प्रोसेस होती है वो आप देखेंगे यहाँ पर, यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है, देखिए मिथाइल अल्कोहल लिया हमने, तो जो मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल हमने देखिए रिएजेंट देख लीजिए आप, एच आई लिया है, एम ई आई लिया है, सीओ लिया है, एम ई ओ एच लिया है, और ये कैटालिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल इस एच आई से रिएक्ट करता है, और इस एच आई से रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म सी एच थ्री आई एंड एच टू ओ, ये एच टू ओ बना दिया इसमें, ठीक है। तो पहले स्टेप में इस एच आई ने सी एच थ्री ओ एच से रिएक्शन किया, सी एच थ्री आई बना, ये सी एच थ्री आई इस ये जो हमारा जो क्या कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है सी एस थ्री आई का, सी एस थ्री आई प्लस ये कैटालिस्ट, देखिए यहां से आया और ये यहां से आया, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, एक जगह सी एस थ्री जुड़ गया और एक जगह आई जुड़ गया, देखिए ये बन गया हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, सी एस थ्री आई जुड़ गया, सी एस थ्री भी जुड़ गया और आई भी जुड़ गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सीओ इंसर्शन होगा, सीओ इंसर्शन होगा, सीओ इंसर्शन कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और साथ में हमने यहाँ पर सीओ को रिएक्ट करा है जिसको हम ट्रैपिंग रिएजेंट कहते हैं, यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो एक ट्रैपिंग एजेंट और यूज कर दिया, तो ये सीओ यहाँ एड हो गया और ये सीओ सी एस थ्री बन गया, ठीक है। अब ये जो है इसमें से क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, तो क्या बन गया, देखिए ये वापिस बन गया, देखिए ये जो है हमारे पास ये क्या है, कैटालिस्ट है, ये वापिस बन गया, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो ये आया सीओ सी एस थ्री आई, ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये प्रोडक्ट जब हमारे पास आ गया है तो अब ये यहां से जो H2O निकला था उस H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद CH3COH बना देगा, CH3COH बनाएगा और साथ में HI बनाएगा, वो HI फिर से साइकिल में चले जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में ये मीथेनॉल से क्या बना दिया,
एसिटिक एसिड, और ये एसिडिक एसिड तब बना जब हमने सीओ की रिएक्शन इससे कराई थी और यहाँ पर सीओ का एक्टिवेशन हुआ था। सो मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के थ्रू ये जो मिथेनॉल है इससे एसिटिक एसिड बना सकते हैं, और ये इन प्रेजेंस ऑफ एच आई, इन प्रेजेंस ऑफ सीओ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये बनाया जाता है, और ये इसकी क्या है, कैटालिटिक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो तीन मेथड है, मेन तीन मेथड्स आपने देखे जिसके थ्रू हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन कर सकते हैं। एक आपने देखी वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट में जो जनरली जो एक्टिवेशन है वो जो कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे थे आयरन का और प्लेटिनम का, आयरन के लिए बेस की जरूरत है, प्लेटिनम के लिए नहीं है, ये जो इनकी प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है। देन आपने देखा रेपर रिएक्शन, रेपर रिएक्शन के थ्रू कार्बोनिल का हम एक्टिवेशन कर सकते हैं, FeCO5 अगेन इट एक्ट्स एज दी कैटालिस्ट जो कि एक्टिवेट करता है। फिर हमने देखा मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस जिसके थ्रू अगेन एक एक हमें कैटालिस्ट चाहिए, एक मिथेनॉल चाहिए, एक कार्बोनिल चाहिए, ये हमें एच आई चाहिए। तो ये इनकी प्रेजेंस में आपने देखा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है थ्रू दिस मिथेनॉल। ओके, और मेथड्स भी हैं। तो अब आप देखिए चौथा एक्टिवेशन, आप देखिए फोटोसिंथेसिस जिसको आप जानते हैं, जो प्लांट करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं देखिए एक्टिवेट, आप देखिए CO2 plus H2O इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आप देखिए नेचर में भी हो रहा है, ये हम इंडस्ट्रियली नहीं कर रहे हैं, नेचर में भी हो रहा है, CO2 का एक्टिवेशन हो रहा है, H2O का एक्टिवेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इस प्रोसेस के लिए एटीपी की जरूरत, सनलाइट की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नेचर खुद कर रही है एक्टिवेट, तो ये जो एक्टिवेशन है ये नेचर में हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है वहां पर कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस है, मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेस है जो कि एक्टिव एंजाइम की साइट्स होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। तभी तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, या हमारे शरीर में लिपिड्स हैं, इनका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जो अंदर जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दे एक्टिवेट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, वाटर को, CO2 को, हमारे शरीर के अंदर भी बन, ठीक है। और H2 एक्टिवेशन तो आपने पूरा पढ़ा है कि जो H2 एक्टिवेशन है उसका स्मॉल मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन आपने पूरा होमोजेनियस हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है, जहां पर अपने तीन तरीके के एक्टिवेशन पढ़े थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू एक्टिवेशन हो सकता है, होमोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है, हेट्रोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है। तो आप वो पूरा जो एक्टिवेशन है जिसमें कि मैंने आपको तीन प्रोसेस बताई थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन मींस मोनो न्यूक्लियर, होमोलिटिक आपने जो इकुची कैटालिस्ट पढ़ा था, और हेट्रोलिटिक का मतलब है बाई न्यूक्लियर, हेट्रोलिटिक का मतलब है आपने देखा था कि जो जो एक बेस की जरूरत होती थी। तो ये पूरा एक्टिवेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, दिखाएंगे जब एक्टिवेशन की बात आएगी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के। तो आपने देखा कि स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल CO, CO2, H2O, H2, ये इनके हम एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, कैसे इनके बीच का बॉन्ड टूट सकता है। तो CO एंड CO2 का एक्टिवेशन वाटर गैस शिफ्ट से हो सकता है, या रेपे रिएक्शन से हो सकता है, CO का एक्टिवेशन मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस से आपने देखा एक्टिवेशन CO का हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी एक्टिवेशन होते हैं, और H2 एक्टिवेशन स्पेशली आपने पढ़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पर एड करेंगे कि जो H2 एक्टिवेशन है वो भी ऑक्सीडेटिव एडिशन, होमोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है, हाइड्रोलिटिक एक्टिवेशन हो सकता है, वो पार्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे और उसको आप दिखाएंगे कि कैसे H2 का एक्टिवेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट, उनकी प्रेजेंस में कैसे हो सकता है। आपने देखा था ना कोबाल्ट का भी हो सकता है, कोबाल्ट के जो 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 विल्किंसन कैटालिस्ट है वो एक्टिवेट कर सकता है, जो जो रोडियम का जो कैटालिस्ट है वो एक्टिवेट कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन को एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन। तो आपसे मैंने कह दिया है कि जो एक्टिवेशन है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एक्टिवेशन मींस कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना, वो एक्टिवेशन है। तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, वो एक्टिवेशन CO का हो सकता है, CO2 का हो सकता है, H2O का हो सकता है, H2 का हो सकता है। तो हमने आपको CO एंड CO2 को एक्टिवेशन के जो मेथड है वाटर गैस शिफ्ट बताया, आपको रेपे रिएक्शन बताई, आपको मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस बताई, आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में बताया
बताया कि किस तरीके से एंजाइम्स भी जो है वो एक्टिवेट करते हैं हमारे शरीर में, और उसके अलावा जो है वो एच टू का जो एक्टिवेशन है वो आप पूरा दिखाएंगे कि तीन तरीके से हो सकता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू हो सकता है, होमोलिटिक के थ्रू हो सकता है, हेटरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू एक्टिवेशन हो सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाई कोऑर्डिनेशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और इसी के साथ जो होमोजीनियस कैटालिसिस है, जो होमोजीनियस कैटालिसिस है उनका जो जो पार्ट है वो क्या हो गया, फिनिश हुआ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच अगेन.